Okay, hi everyone. So today the topic that we are going to start is ratio and proportion. All right. So ratio and proportion. Now in this lecture, I shall be teaching you about what is ratio, and then we will be starting with the proportion. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है. एज वी नो कि अगर हम लोग दो नंबर्स वगैरह को कंपेयर करते हैं, व्हेनेवर यू हैव एनी नंबर, सपोज आई हैव अ नंबर ए एंड सपोजिंगली आई हैव अ नंबर बी, सो व्हेनेवर आई ट्राई टू कंपेयर दीज टू नंबर्स, सो दीज टू नंबर्स आर ऑफन कंपेयर्ड बाय अ मेथड जिसको हम लोग डिविजन बोलते हैं, राइट. तो हम उनको डिविजन के थ्रू कर देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जब भी दो नंबर्स का हम कंपैरिजन करेंगे या कोई भी क्वांटिटीज हमारे पास होंगे और जब हम उनको डिवीजन मेथड के थ्रू कंपेयर करते हैं, सो उस पार्ट को हम लोग रेशियो कहते हैं. ठीक है, तो रेशियो के बारे में हमें सीधे ये समझ में आ जाता है कि इट टेल्स अस दैट हाउ मच वन थिंग इज ऑफ द अदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेशियो निकाल रही हूँ, मेरे पास कोई एक नंबर ए है एंड ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4, तो इससे मुझे पता चल जाता है हाउ मच वन नंबर इज ऑफ द अदर. लाइक ए बाई बी अगर मेरे पास 3/4 है, लाइक ए इज हैविंग 3 parts मेरे पास एंड बी के 4 parts है, तो इससे मुझे ये भी समझ आता है कि बी इज इक्वल टू 4/3 ऑफ ए, राइट. एंड सिमिलरली मुझे ये समझ आता है कि ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी. सो दिस इज़ द आइडिया जो हमारे पे, जो हमें रेशियोज के बारे में निकल के आ जाता है. बट नाउ वी ऑल्सो नो कि देर आर ऑल्सो सम टाइप्स ऑफ द रेशियोज. सो वट आर दोज टाइप्स ऑफ द रेशियोज, अगर हम वो पढ़ेंगे तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रेशियोज भी हमारे पास है. टाइप्स ऑफ रेशियोज में हमारे पास कौन कौन से सबसे पहले आ जाते हैं, तो वी हैव दैट डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ऑल राइट. एंड हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारे पास है, ओके. एंड द नेक्स्ट वन वी हैव सब डुप्लीकेट, ओके. वी हैव सब ट्रिप्लीकेट, वी हैव इनवर्स रेशियो, एंड वी हैव वन मोर दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशियो. ठीक है, कंपाउंड रेशियो, ओके. तो अब जो ही हम ये सबसे पहले रेशियो पढ़ेंगे, तो रेशियो का हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम रेशियो में हमारे पास दो नंबर्स का कंपैरिजन होना ज़रूरी है. उन दो नंबर्स को आप लोग कंपेयर डिवीजन मेथड से कर लेते हो, एंड दैट इज शोन बाय द एक्सप्रेशन ए बाई बी में जैसे ले रही हूँ, ठीक है, या फिर सी बाई डी, कुछ भी हो सकता है. अगर मेरे पास इवन खाली सी भी होगा तो मैं हमेशा सी के नीचे वन हमारे पास होगा, सी बाई वन, एनी थिंग लाइक दिस. अब जो हमारे पास इसमें न्यूमरेटर वाला नंबर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एंटीसीडेंट, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं. और जो बी वाला नंबर हमारे पास होता है डिनोमिनेटर में, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंट, ऑल राइट, उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. नाउ सबसे पहले हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझ आया कि रेशियो को जो आप रिप्रेजेंट करते हो, रेशियो को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ए बाई बी फॉर्म में. और अगर हम लोग डुप्लीकेट लेंगे, सो व्हाट इज़ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मींस कि जब आप न्यूमरेटर का भी स्क्वायर लोगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लोगे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, उसको हम डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं. ट्रिप्लीकेट रेशियो इटसेल्फ मींस ट्राई मींस थ्री, एंड तो ये सिंपली हमारे पास होगा ए क्यूब बाई टाइम्स आउट ऑफ द बी क्यूब के बराबर. सब डुप्लीकेट हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम्स आउट ऑफ अंडर रूट ऑफ बी, ठीक है. इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट हमारे पास क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ बी, इट इज़ हेयर स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक. अब इनवर्स हमारे पास क्या होता है, इनवर्स इज सिंपली, इनवर्स रेशियो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक नंबर है, ए इज टू बी ले रही हूँ मैं, इज टू सी ले रही हूँ मैं, ठीक है. ओके, सो ओके, सो आई वाज सेइंग यू अबाउट द इनवर्स, कि हम लोग इनवर्स कैसे रेशियो का निकालते हैं. ओके, सो आई वाज हैविंग हियर कि हमारे पास जैसे यही है
ए इज टू बी इज टू सी, हम इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे. ठीक, सो इसका इन्वर्स इज सिंपली टेकन बाय 1 बाय ए इज टू 1 बाय बी इज टू हम लेंगे 1 बाय सी. ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू कि नीचे हम कॉन्स्टेंट रखेंगे हर एक नंबर की जगह, जैसे ए यहाँ पे विल कीप हेयर ए बी सी एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय ए बी एंड सी, राइट. तो ये ए और ये ए कैंसिल होता है एंड व्हाट कम्स है बी सी. सो सिमिलरली जो क्योंकि हमने पूरे इसको किससे कर लिया, हमने डिवाइड, दिस इज़ डिवाइडेड बाई ए बी सी, राइट, एंड दिस इज़ मल्टीप्लाइड अगेन बाई ए बी सी. सो अगेन दिस बी एंड बी गेट कैंसल्ड आउट और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ए सी. सिमिलरली दिस 1 बाई सी इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी, सी एंड सी कैंसल, सो देयर रिमेन्स ए बी डिवाइडेड बाई ए बी सी. देन ये ऑब्वियसली कैंसल यहाँ पे होगा तो इनवर्स में हमारे पास आ जाता है बी सी इज टू ए सी इज टू ए बी. सो दैट इज हाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज टू बी इज टू सी. ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स था. इन्वर्स के बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो हम देख रहे थे दैट वाज कंपाउंड रेशियो हमारे पास क्या होता है. ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो इज सिंपली कि अगर मेरे पास नंबर्स कुछ इस तरह से है, सपोजिंगली मेरे पास है ए बाई बी, मेरे पास है आई हैव दिस सी बाई डी एंड आई हैव दिस ई बाई एफ. ठीक है, तो मैं इसको लिख कैसे सकती हूँ, ए इज टू बी, फिर मैं लिख सकती हूँ सी इज टू डी और मैं इसको लिख सकती हूँ एज ई इज टू एफ. तो मेरे पास जो कंपाउंड रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. ऑल राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स क्या होता है, एंटीसीडेंट्स हमने ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको बोला था, एंटीसीडेंट जो न्यूमरेटर हमारे पास होता है दिस ए, ये सी जो हमारे पास होता है, ये न्यूमरेटर जो हमारे पास होता है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो डिनोमिनेटर आता है भी इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स में हमारे पास क्या आएगा, ए बिकॉज इट इज़ द न्यूमरेटर है, सी यहाँ पे न्यूमरेटर है और ई हमारे पास न्यूमरेटर है, तो इट विल बी ए इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा बी इंटू डी इंटू एफ डिवाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंस एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो. ठीक है, सो फाइनली हम लोग ने देखा कि अभी तक जो हमने पढ़ा रेशियो क्या होता है, रेशियो इज सिंपली पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी को हम लोग हमेशा एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो हमारे पास क्यू है इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. फिर रेशियो के टाइप होता है ड्यूप्लिकेट टाइप जो कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के बराबर आता है, ट्रिप्लिकेट टाइप आता है ए क्यू बाई बी क्यूब के बराबर आता है, सब डुप्लीकेट आता है जो कि हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बी के बराबर आता है, सब ट्रिप्लिकेट आता है जो क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ बी के बराबर आता है. इनवर्स हमने देखा इनवर्स कैसे निकालते हैं हमारे पास, फिर हमने देखा कंपाउंड रेशियो जो कि हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज ऑपरेशन ऑन हमारे पास रेशियो व्हाट वी कॉल एज इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या आती है, दैट इज सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है दैट इज सिंपली कि कॉम्पोनेंडो हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी का जो हमारे पास नाम है दैट इज कॉम्पोनेंडो. ठीक, तो कॉम्पोनेंडो हमारे पास आता है कि जो ए बाई बी इफ यू कीप इट इज इक्वल टू सी बाई डी. Supposingly you have a by b is equal to c by d के बराबर, so it is equal to, ये किसके बराबर हमारे पास आता है, it is equal to a plus b divided by b is to c plus d divided by d. This is the first property that called as the componendo. Second property हमारे पास आता है dividendo. ठीक है, इट इज़ अगेन कि अगर हमारे पास ए बाई बी सी बाई डी के बराबर आता है सो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज़ व्हाट वी हैव, ए माइनस बी
डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी के बराबर आता है, ठीक है। ये डिविडेंडो है। तो कॉम्पोनेंटो में आप प्लस देखते हैं, मतलब इफ सीधे अगर आपके पास ऐसे देकर है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो कॉम्पोनेंटो में हम एडिशन देखते हैं, दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। सिमिलरली डिविडेंडो में आ जाता है हमारे पास ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड प्रॉपर्टी एंड दैट इज वॉट वी कॉल एज ऑल्टरनेंडो, ठीक है। तो ऑल्टरनेंडो किसके बराबर आता है? ऑल्टरनेंडो इज सिंपली कि अगर आपके पास आता है एज यू नो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के बराबर, तो इट कम्स हेयर एज कि ए बाई सी, ये कैसे आ जाता है ए बाई सी, बिकॉज सी कम्स हेयर डाउन, तो वो आ जाता है हमारे पास बी बाई डी के बराबर, ठीक है। इसको ऑल्टरनेंडो कहते हैं। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्टनडो, ठीक है, इनवर्टनडो, एंड दैट इज इक्वल टू सिंपली कि अगर मेरे पास ए बाई बी या होता है सी बाई डी के बराबर, तो बाई द प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्टनडो आई हैव बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी के बराबर। ऑल राइट, तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज थी जो प्रॉपर्टीज इन रेशियोज की थी। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दम अगेन कि आपके पास जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज रेशियोज में है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ए बाई बी हमारे पास है सी बाई डी के बराबर, एंड बाई द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्पोनेंटो ये हमारे पास किससे रिलेट करता है, एडिशन से रिलेट होता है। तो बाई दिस प्रॉपर्टी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई डी। डिविडेंडो प्रॉपर्टी आप सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अगर लेंगे तो सेम आता है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई डी। सिमिलरली ऑल्टरनेंडो हमारे पास क्या होता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के बराबर, दिस सी कम्स डाउन है, दिस इज ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी के बराबर, क्योंकि बी वापस यहाँ चला जाता है। सिमिलरली आई हैव इनवर्टनडो एंड दैट इज कि ए बाई बी जो ही मेरे पास सी बाई डी के बराबर आता है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल जो ही लेती हूँ, इट कम्स बी बाई ए, वो हमारे पास आता है डी बाई सी के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो हो गई। अब आज के इस लेक्चर में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके बारे में बताती हूँ, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे, वी विल जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी सिमिलरली बेस्ड ऑन के जो आपने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंड वॉट एवर द डेफिनेशंस आई टोल्ड यू। सो इफ इट विल बी गिवन टू यू, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, and that is 5:7, 15:14, and 98:75. This is the first question, all right? तो इसका हमें क्या निकाला है, कंपाउंड रेशियो। हमने सबसे पहले देखा था कि कंपाउंड रेशियो किसके बराबर आता है, दैट इज सिमिलरली इक्वल टू द सॉरी मल्टीप्लीकेशन of numerators, or what we call as that of the multiplication of antecedents, right, divided by, हमने देखा था multiplications of consequence, all right. So multiplication of antecedents में हमें पता है कि 5:7 can be written as 5/7, 15:14 it can be written as 15/14, and 98:75 can be written as 98/75. तो multiplication of antecedents में हम लिखेंगे 5:15 into हमारे पास आता है 98 divided by multiplication of consequence which is 7:14 into 75. ऑल राइट, अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इट विल बी 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15. ऑल राइट, देन वी विल बी हैविंग हेयर एज 7 1s are 7, 7 1s are 7, 8 9, 7 4s are 28. देन दिस 14 and 14 गेट्स कैंसल आउट एंड दिस 5 1s are 5. ओ सॉरी, इट इज़ हेयर 15. ऑल राइट, बिकॉज 5 1s are 5, 6 7, 5 5s are 25, 15. सो दिस 15 and 15 गेट्स कैंसल आउट और इसका कंपाउंड रेशियो जो आपको निकल गया दैट इज़ 1. ऑल राइट, तो ये पहला क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ,
इट इज सेइंग फाइंड द सब ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25. ऑल राइट, तो सब डुप्लीकेट रेशियो हमने क्या पढ़ा था, सब डुप्लीकेट रेशियो इज सिंपली इक्वल टू, अगर आपके पास p बाई क्यू के फॉर्म में देकर है तो इसका जो सब डुप्लीकेट str जो आता है रेशियो, दैट इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द p डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ द q. ठीक, तो अंडर रूट ऑफ p क्या हमारे पास आता है, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 25 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 4/5. तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाता है. ठीक है, सिमिलरली आपके पास मैं एक को थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से बताती हूँ कि फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ हमारे पास होगा 3:5 के बराबर. ठीक, अगर हमें इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ट्रिप्लीकेट रेशियो हमने कैसे पढ़ा था, दैट इज सिंपली गिवन बाय कि अगर ये मेरे पास p बाय q के फॉर्म में है तो इट इज़ गिवन बाय p का ट्रिप्लीकेट कैसे निकालते हैं, p क्यूब डिवाइडेड बाय q क्यूब के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब एंड इट इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 1/5. तो ये आपके पास का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकला. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम जाएंगे, जो कि मेन प्रॉब्लम्स आपके पास एग्जामिनेशंस में आते हैं और जिसपे क्वेश्चंस हमारे पास बेस होते हैं, तो अब हम वही वाले करेंगे. क्वेश्चन आपके पास बोलता है कि वन मैन एड्स 11 लीटर्स ऑफ वाटर टू 14 लीटर्स ऑफ milk and another 12 liters of water to 13 liters of milk. What is the ratio of the strength? What is the ratio of strengths of milk in two mixtures? All right, of milk in two mixtures, right? So basically I would like to say you कि असली जो आपके पास questions आते हैं वो आपके पास इस ही type के होंगे. ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चंस आपके पास है और इसी टाइप की मेन क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे एग्जामिनेशंस में. सो क्वेश्चन इज कि हमारे पास वी आर हैविंग अ मैन हु इज एडिंग 11 लीटर्स ऑफ वाटर टू 14 लीटर्स ऑफ मिल्क. ऑल राइट, तो एक रेशियो हमारे पास आता है वाटर बाय मिल्क का रेशियो, दैट इज ही सेइंग कि हम 11 लीटर ऑफ वाटर 14 लीटर्स ऑफ मिल्क को ऐड कर रहे हैं. ठीक, एंड अनदर हम लोग दूसरा मिक्सचर ये ले रहा है, दिस इज फर्स्ट मिक्सचर आप लोगे, और दूसरा मिक्सचर जो वो हमारे पास ले रहा है उसमें वो क्या कर रहा है कि वो 12 लीटर पानी का हमारे पास ऐड कर रहा है 13 लीटर्स ऑफ मिल्क में. ठीक, ये 13 लीटर्स ऑफ मिल्क है और ये 13 लीटर्स ऑफ वाटर है. अब बेसिकली हमें निकालना है कि इन दोनों मिक्सचर्स में हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क क्या है. तो पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क फर्स्ट मिक्सचर का निकालेंगे, बिकॉज ये जो पॉइंट आपके पास कर रहा है इट इज़ द फर्स्ट मिक्सचर दैट यू हैव, राइट. ये आपके पास पहला मिक्सचर है और ये वाला जो आपके पास है ये सेकेंड मिक्सचर है. ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले जाती हूँ इस यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास पता है कि यहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितना है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना मेरे पास है वाटर और मिल्क को मिला के. सो दैट इज वाटर प्लस मिल्क एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 14 प्लस 11. ठीक है, तो और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, मिल्क. मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 14 लीटर्स है और वो 14 लीटर्स 25 लीटर्स ऑफ टोटल मिक्सचर में. तो पहले मिक्सचर का जो रेशियो मेरे पास आता है दैट इज़ 14/25.
सिमिलरली अगर मैं दूसरा मिक्सर लेती हूँ जिसमें मेरे पास 12 लीटर्स ऑफ वाटर में 13 लीटर्स ऑफ मिल्क है, तो एक्चुअली में मेरे पास 13 लीटर्स ऑफ मिल्क टोटल कितना 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर में मेरे पास है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे निकाल दी हूँ, लेकिन अब ये मुझे बता रहा है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन टू मिक्सचर्स में कितना होगा, तो वो ऑब्वियसली मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगी, इट विल बी लाइक 14 डिवाइडेड बाई 25 होल डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 25, राइट। तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 14 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 13, ये कैंसल। तो टोटल जो मेरे पास वॉट इज द, बिकॉज इट इज़ नॉट आस्किंग ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क, इज आस्किंग मी कि राशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन टू मिक्सचर्स में क्या आता है मेरे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 14 बाई 13, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक आज के लेक्चर का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर में दिखाती हूँ, देन नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको मतलब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दिखाऊंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू अस इज टू वेसल्स कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स, equal quantity of mixtures of water and milk, in ratio of 8:5 and 3:10 respectively. Both mixtures are now mixed thoroughly. Find the ratio of milk to water in the new mixtures obtained. Okay, find the ratio of milk to water in new mixture so obtained. Okay, all right. So the question to me is simply ki hamare paas do vessels hai and both of them are containing the equal quantity of the mixtures of water and milk in ratio of 8:5 and 3:10 respectively. That means ki hamare paas equal quantity of mixtures of water and milk hai hamare paas 8:5 and 3:10 mein, theek hai. Now both mixtures are mixed thoroughly, find the ratio of milk is to water in the new mixture so obtained. So basically हमारे पास एक vessel है जिसको मैं vessel 1 बोलूँगी, जिसमें जो मेरे पास mixture है हमारे पास ratio और the proportion of water and milk जो है that is of the form 8:5 के form में, while जो मेरे पास second vessel number 2 मेरे पास आता है, उस vessel number 2 में मेरे पास water by milk का जो next ratio आता है वो कितना आता है 3:10 के form में आता है, ठीक है। तो अब आप मुझे सिंपली बताओ कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास सेम आ जाता है इनमें, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारे पास नेक्स्ट मिक्सचर आएगा तो उसमें रेशियो मिल्क इज़ टू वाटर का कितना होगा, हमें पता है कि 8 हमारे पास किसका है, वाटर का कितना हमारे पास है, वाटर का हमारे पास है 8 एक में और दूसरे में वाटर का कितना हमारे पास है, दैट इज़ 3, राइट। सो हमारे पास वाटर का कितना आता है, दैट कम्स आउट टू बी 8+3 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 11, राइट। और इसी तरह से मेरे पास सिंपली है मिल्क का कितना है, 5 है पहले में और दूसरे में 10 है, सो आई विल बी एडिंग इट 5+10, वो कितना आ जाता है 15। तो नेक्स्ट जो मेरे पास नया मिक्सचर न्यू बन रहा है उसमें मेरे पास वाटर इज़ टू मिल्क का क्या राशियो होगा, दैट विल बी 11:15, राइट। क्योंकि दोनों में सेम था तो इसलिए हमने दोनों को ऐड कर लिया यहाँ पे, ऑल राइट।
तो दिस वॉज़ द टुडेज़ लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने राशियोज़ पे पढ़ा. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो राशियोज़ और प्रोपोर्शन से रिलेटेड आएंगे वो आएंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच एंड देर विल बी द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू.